22 मार्च तो पंजाब दे विच जिहड़े हैगे ने स्कूल कॉलेज और जिन्ने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने सारे बंद सीगे। पिछले दिन ही पंजाब सरकार वल्लों एक जिहड़ा हदायत दित्ती गई सी कि 9वीं तो लग के 12वीं तक दियां जिहड़ियां हैगियां क्लासां हैगियां उह स्कूल खुल्लणगे। स्कूल खुल्ले, बच्चों की आमद भी हुई, कई स्कूलों के काफ़ी ज़्यादा रौनक भी हुई। स्कूलों वालों जोड़े बड़े अच्छे प्रबंध भी किए गए, पढ़ाई भी शुरू हुई। पर हुण जिहड़ा पंजाब सरकार वालों एक होर नवा जिहड़ा हैगा कदम चुकया गया वह है हायर एजुकेशन के जिन्हें भी कॉलेज है इंस्टीट्यूट है इन्हों खोलन की इजाजत दी गई है। जिमें कि अज 16 तरीक है और अज 16 तरीक तो जिहड़ा है कॉलेजों को खोलन की इजाजत दी गई है, जिथे कि सरकार दीआं गाइडलाइन जिहड़ियां हैगियां ने वह करनियां जिहड़ियां बहुत ही जरूरी ने। मेरे नाल इस वेले डॉक्टर नीना प्रिंसीपल एस डी कॉलेज गल मोगा दे हैगे ने। गल करते हैं कि किस तरीके दे नाल जिहड़ियां अज तो शुरुआत हो रही है, क्योंकि पिछले 8 महीने लगातार जिन्हें भी बच्चे थे सारे ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे और ऑनलाइन दे विच जिहड़ा हैगा कई बारी बच्चों के नैट की प्रॉब्लम भी आती है और कई बारी जिहड़ा हैगा बच्चों नूं होर भी प्रॉब्लम्स आदियाँ जिहड़ियां चीज़ां पुछनियां चाहते बच्चे नहीं पुछ सकते और फेस टू फेस जिहड़ा हैगा बच्चे उन्हां चीज़ां नूं पुछ भी सकते हैं। डॉक्टर नीना तुहाडा वेलकम है फैक्ट न्यूज़ ते। अज जिस तरीके नाल कॉलेज खुल रहे हैं जी, की कहोगे तुसीं, किद्दां लग रहा तुहानूं? अज तुसीं भी पहले दिन कॉलेज आए हो 8 महीने बाद। हाँ, कॉलेजेस जिहड़े ने 22 मार्च तो बंद ने ते उहदे तो बाद कुछ टाइम ऑनलाइन टीचिंग भी हुई है, ऑनलाइन क्लासेस लगदियां रहियां ने। उहदे च थोड़ियां जिहियां दिक्कतां आईयां क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन दे नाल बहुते ज़्यादा उन्हां दा नहीं सीगा पहला, उन्हां नूं थोड़ी जी उन्हां दी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग करनी पई ते उहदे तो बाद फिर एग्जिट क्लासेस दे लई एग्जामिनेशन भी सैप्टेंबर दे महीने च होए ने। हुण 16 तारीख तो पंजाब सरकार ने कॉलेजेस नूं खोलण दी इजाजत दित्ती है। उहदे च कुछ गाइडलाइनस जिहड़ियां ने सरकार दे वल्लों जारी होईयां ने, जिवें 50% स्ट्रेंथ दे नाल उन्हां ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रखदे होए बार बार हाथ धोने, कॉलेज दे विच इक कमेटी दा गठन करना, इस तरह दीआं हदायतां दित्तियां ने। साडा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी दे नाल एफिलिएटड है, लेकिन हाले तक पंजाब यूनिवर्सिटी वल्लों जिहड़ियां गाइडलाइनस आउणियां ने कि जिहड़ा कॉलेज दा पूरा टाइम टेबल है वह किस तरह होना है, किन्ने बच्चे जिहड़े ने अलाउड ने कॉलेज दे विच इक समय ते आउणा, कि वह दो शिफ्टां दे विच काम करना है या सिर्फ पहला टैक्नीकल कोर्सेज नूं बुलाना है या PG नूं बुलाना है, इस तरह के तमाम सवाल जिहड़े ने वह गाइडलाइनस हाले पंजाब यूनिवर्सिटी वल्लों अवेटड ने। जिद्दां ही यूनिवर्सिटी वल्लों गाइडलाइनस आउंदियां ने असीं पूरी तरह के नाल टाइम टेबल लागू करके उन्हां हदायतों का पूरा पालन करांगे। जित्थों तक करोना दी है संबंध, उहदे लई कॉलेज ने अपने पद्धर ते पूरियां तैयारियां कीतियां ने। हुण इस हफ्ते असीं पेरेंट मीटिंग्स दा भी इंतजाम कीता है, ऑनलाइन पेरेंट मीटिंग्स होणगियां, जिहदा असीं एजेंडा रख्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चियां नूं कॉलेज भेजण लई इजाजत दिंदे ने या नहीं दिंदे। दूसरा, जिहड़ी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है उहदे तों उह किन्ने कु संतुष्ट ने और उहदे बारे की फीडबैक है या उहदे विच उह होर की चाहुंदे ने, या इस तों इलावा अगर उहनां दे दिमाग दे विच कोई भी होर चीज़ है तां उह पूरा टीचर्स दे नाल डिस्कस कर सकदे ने। इस हफ्ते साडियां सारियां पेरेंट टीचर मीटिंग चलणगियां ते इन द मीन टाइम अगर गाइडलाइनस आ जांदियां ने तां असीं उह लागू कर दांगे। कॉलेज दे विच फिलहाल असीं गेट ते एंट्री ते ही सैनिटाइजर रख्या होया है, टैंपरेचर चैक हो के तां ही चाहे वह स्टूडेंट्स ने चाहे पेरेंट्स ने या कोई भी विजिटर है फिर वह अंदर आंदा है। सोशल डिस्टेंसिंग दा पूरा ध्यान रख्या गया, जगह जगह ते हाथ धोण दा भी इंतजाम किया गया, दो बार असीं सैनिटाइजेशन दा प्रबंध किया होया है। इस तो इलावा कॉलेज दे विच असीं एक कमेटी का गठन भी किया है जिदे विच साढ़े NCC दे लैफ्टिनेंट रमनप्रीत कौर ने और NSS ऑफिसर ने डॉक्टर बलजीत कौर और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दे हैड हैगे ने, जिहड़े कि बार बार कॉलेज का राउंड लगा के वो चैक करनगे कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग दे विच ही रहन, बार बार हाथ धोण, सफाई का पूरा ध्यान रखन और पूरी तरह उन्होंने जागरूक करन। मैम, जिस एक ना हुणे तुसीं गल कर रहे थे कि 50% जिहड़ा हैगा स्टूडेंट नूं अलाउ कीता हैगा, कि 50% जदों बच्चे आणगे तुहाडा जिहड़ा सिलेबस हैगा फिर उहदे तुहानूं किन्नी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी?
नहीं क्लासेस जड़ियां ने वह 3 अगस्त तो ऑनलाइन शुरू हो चुकिया हुई ने। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जिहड़ा सानूं अकैडमिक कैलेंडर जारी किया सी उहदे विच ऑनगोइंग क्लासेस जिहड़ियां सी ओह 3 अगस्त तो शुरू हो गई सी। फस्ट ईयर दियां क्लासेस साडियां 3 सितंबर तो शुरू होईयां होईयां ने जिहदे विच असीं सिलेबस नूं उसे तरह ही कॉलेज ने जूम प्लेटफॉर्म अपना असीं परचेज़ किया होया है। इस करके सानूं जूम मीटिंग्स की कोई मुश्किल नहीं आई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं सीगी ते सिलेबस जिहड़ा है वह अपने पेस नाल ठीक चल रहा है। असाइनमेंट्स भी आ रही ने, ऑनलाइन असाइनमेंट्स बच्चे सानू भेजते हैं। इस तो इलावा वीकली टेस्ट जिस तरह क्लास चल रहे थे उस तरह चल रहे हैं। नहीं जिस तरीके मैम जदों सपोज कर लो अपने को 40 बच्चे क्लास के, हाँ जी जरा 40 बच्चों को असं एक टाइम स्टडी करवा रहे हैं, जे 50% असं 20 बच्चों बुलावे तो उ दूसरे जे 20 बच्चे है 2 दिन बाद आएंगे, इट मीनस कि उन्होंने बच्चों 2 दिन बाद सिलेबस मिलेगा ना? उहदे च फिर असी ग्रुपिंग करांगे क्योंकि वह बच्चे जिहड़े ने 40 दे 40 अगर वो डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है जिस तरह गाइडलाइनस ने मान लो एक दिन जड़े है ने, 2 दिन जड़े ने अगर हफ्ते च 2-2 दिन अलाओ होंगे ने तो 2 दिन सिर्फ कॉमर्स के ही अगर बच्चे आते हैं तो वह बच्चों की जी ग्रुपिंग इस तरह की जाएगी कि वो जिनी सानू स्ट्रेंथ कहे एक क्लास के सू जो हदायत आदि ने 20 या 25 दियाँ तो असी उन्ना ही क्लासरूम के इंतजाम करके सोशल डिस्टेंसिंग के नाल असी करांगे। मैम जिस तरीके ऑनलाइन स्टडी पहला चल रही हैगी है, काफ़ी बच्चों नहीं भी समय लगता, तुहाडे वल्लों भी अरेंजमेंट किए गए थे बई तुसी एक दो बच्चे आ भी सकते टीचर नू मिल भी सकते हैं, हुण तुसी जिहड़ा रेगूलर जे क्लासेस लगदियां हैगियां ते पेरेंट्स दा किद्दां दा तुहानू रिजल्ट मिल रहा है? इस तरह है जी ऑनलाइन का जिदा मैं पहला कहा क्योंकि साढ़े जोड़े इंडियन सैटअप है वो ऑनलाइन की प्रोविजन पहला नहीं सी, ऑनलाइन टीचिंग कदे नहीं हुई हैगी। ऑनलाइन का जड़ा एक शुरू होया है ट्रेंड यह लॉकडाउन के दौरान ही होया है, सारे कॉलेजेस ने पहला टीचर्स की ट्रेनिंग भी हुई रादर साडे टीचर्स भी ऑनलाइन के वास्ते ट्रेंड नहीं सके, ये ट्रेनिंग भी लॉकडाउन के दौरान हुई हौली हौली, पहला बच्चों ने जोड़े पिछलिया क्लासेस से उन्होंने पढ़िया और हूँ जड़ा है हूँ बच्चे तकरीबन सैटल्ड ने ऑनलाइन के लिए वह सैटल्ड ने ट्रेन हो चुके ने क्योंकि ये जी एज है इनू असी गूगल एज मनते हैं और ये जी बच्चे ने भी एडवांस ने वैल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी ने तो इस करके हूँ मतलब मुश्किल तो नहीं आती है उन्होंने ऑनलाइन च, पर जो क्लासरूम के टीचर्स के जैसचर्स ने टीचर के वलों जो इनफॉर्मल तरीके दे भी बहुत सारी गाइडेंस उन्होंने काउंसलिंग जी होंगी है वो कितने ना कितने मिस हो जाती है, वो चीज़ का जरूर बच्चों लाभ होएगा। टीचर ने इनफॉर्मल जाते जाते भी अगर बच्चा 5 मिनट लगाता है तो कोई बहुत अच्छी कोई बुक्स बारे सुजैसट करता, ऑनलाइन ही कोई वैबसाइट दसती, इस तो इलावा उन्होंने फ्यूचर की जी असी बिल्डिंग की गल करते हैं असी करैक्टर बिल्डिंग की गल करते हैं वो संबंधित बहुत सारिया चीज़ों की एज मदरली भी वह गाइडेंस एंड काउंसलिंग जी होंगी कित ना कि रह जाती है ऑनलाइन के। मैम जिस तरीके हम सपोज कर लो भी दसंबर के अपने कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च अप्रैल के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, नवा सैशन शुरू हो जाएगा, की तो लगता भी ये 3-4 महीने का जो पीरियड है ये आप सारे साल कवर कर लेंगे जिन्हें बच्चों ने ऑनलाइन नहीं भी कवर किया हो? इस तरह है जी ऑनलाइन ख़त्म नहीं होएगा, अगर हुण कॉलेज खुल भी गए ने तो वह 100% स्ट्रेंथ हले भी अलाउ नहीं करनगे जदों तक कि करोना दा पूरी तरह दे नाल कोई वैक्सीन नहीं आ जाती क्योंकि करोना ख़त्म नहीं होया है, करोना हले है। इस करके असी बहुत प्रिकॉशनस दे नाल पूरी जागरूकता दे नाल ही जिन्ने बच्चे आउंदे ने उन्हां नूं ऑफलाइन मोड दे विच लिआउणा है ता कि बच्चे जिहड़े ने लाइब्रेरी दा इस्तेमाल कर सकन, बच्चों किसी तरह की गाइडेंस काउंसलिंग दी स्पैशली जिहड़े फस्ट ईयर दे स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं जो जरूरत है वह अपना वध तो वध टीचर्स तो अपनी गाइडेंस और काउंसलिंग लै सकते ने। इस करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चीज़ा चलनगियाँ मार्च तक, इनू असी मतलब इस चीज़ की संभावना है असी पूरी तरह ऑनलाइन मोड भी छड नहीं सकांगे हाले। करोना नू लैके तुसीं सारे पेरेंट्स नू की एक मैसेज देना चाहते हो जिहड़े पेरेंट्स जिहड़े गए ने बच्चों कॉलेज भेजना चाहते हैं? पेरेंट्स नू मैसेज यही है कि करोना खत्म नहीं होया, करोना हले है, अपना अपने परिवार का अपने आले दुआले का पूरा पूरा ध्यान रखन, बच्चों का पूरा ध्यान रखन, बार बार हाथ धोण का मास्क पहनण का और सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा ख्याल रखन,
ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜ ਹੈ, ਟੀਨ ਏਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੇ ਮਿਲਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਨ ਓਕਾੜਾ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਗਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।